नमस्कार। किन्नौर अब तक पेशे मैं प्रबल प्रताप सिंह राणा आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ जी। सर्वप्रथम सरस्वती आराधना जी। अभी सिस्टम को जरा ऑन कर लेता हूँ जी। एक मिनट, सिस्टम अपडेट होने में 1 मिनट लगेगा जी। आई थिंक आवाज़ मेरी ठीक आ रही है, कृपया नेगी जी बताएं। जी सर्वप्रथम सरस्वती आराधना। माँ भारती तेरी आराधना, माँ भारती तेरी आराधना, मन से करूँ मैं प्रार्थना, करता रहूँ माँ तेरी आराधना, करता रहूँ माँ तेरी आराधना, मन में रही है भावना, करता रहूँ स्वर साधना, करता रहूँ स्वर साधना। जीवन का सत्य मैं जानूँ, जीवन का सत्य मैं जानूँ, ज्ञान को ही सर्वस्व मानूँ, जीवन का सत्य मैं जानूँ, ज्ञान को सर्वस्व मानूँ, ज्ञान पथ पर चलकर मिले, ज्ञान पथ पर चलकर मिले सर्वोत्तम जीवन साधना, मन में रही है भावना, करता रहूं स्वर साधना, मन से करूं मैं प्रार्थना, माँ तेरी आराधना, माँ तेरी आराधना। पुनर्जन्म हो मेरे सृजन का, पुनर्जन्म हो मेरे सृजन का, हर द्वार खुल जाए मन का, हर द्वार खुल जाए मन का, पुनर्जन्म हो मेरे सृजन का, हर द्वार खुल जाए मन का, तेरी कृपा से मेरी माता, तेरी कृपा से मेरी माता, जीवन में सफलता जानना, जीवन में सफलता जानना, मन में रही है भावना, करता रहूँ मैं स्वर साधना, करता रहूँ मैं स्वर साधना। हर बात को दिन रात को, हर बात को दिन रात को आत्मसात कर लूँ, हर बात को दिन रात को आत्मसात कर लूँ, लेखन कला में मैं स्वयं को निष्णात कर लूँ, लेखन कला में मैं स्वयं को निष्णात कर लूँ, लेखन कला में मैं स्वयं को निष्णात कर लूँ, तेरे चरण वंदन की हर क्षण रही थी कामना, माँ तेरे चरण वंदन की हर क्षण रही थी कामना, मन में रही है भावना, करता रहूँ स्वर साधना, करता रहूँ स्वर साधना, मन से करूँ मैं प्रार्थना, माँ आराधना तेरी आराधना, माँ तेरी आराधना। जी सरस्वती वंदना के पश्चात अभी आगे एक कविता, अभी चूंकि महिला दिवस आने वाला है तो महिला दिवस के पूर्व संध्या से यानी एक दिन पूर्व माँ की महिमा के रूप में कविता आपको सुनाना चाहूँगा। कैसी लगे इसे साथ में बताते जाए। जन्म दिया तुमने मनुज को, जन्म दिया तुमने मनुज को इस जग को वो देख सके, जन्म दिया तुमने मनुज को इस जग को वो देख सके, माँ तेरा एहसान, माँ तेरा एहसान जीवन भर ना उतर सके। जन्म दिया तुमने मनुज को, जन्म दिया तुमने मनुज को इस जग को वो देख सके, माँ तेरा यह एहसान जीवन भर ना उतर सके, जीवन भर ना उतर सके। जन्म दिया उपकार किया, जन्म दिया उपकार किया, नवजात शिशु को कृतार्थ किया, जन्म दिया उपकार किया, जन्म दिया उपकार किया, नवजात शिशु को कृतार्थ किया, जैसे धारण, जैसे धारण उर्मे किया था, जैसे धारण उर्मे किया था, लालन पालन भी निस्वार्थ किया, लालन पालन भी निस्वार्थ किया, जन्म दिया तुमने मनुष्य को जो इस जगत को देख सके। खाना पीना चलना फिरना, खाना पीना चलना फिरना हर क्रिया सिखाई माता ने, खाना पीना चलना फिरना हर क्रिया सिखाई माता ने, आसे अम्मा बासे बाबा, आसे अम्मा बासे बाबा, ये बात सिखाई माता ने, ये बात सिखाई माता ने। पुनः बताता हूँ, खाना पीना चलना फिरना, खाना पीना चलना फिरना हर क्रिया सिखाई माता ने, खाना पीना चलना फिरना हर क्रिया सिखाई माता ने, आसे अम्मा बासे बाबा, ये बात सिखाई माता ने, ये बात सिखाई माता ने। इसके पश्चात जीवन आगे बढ़ता है, माँ की महिमा बढ़ती जाती है, घटती नहीं है। घुटनों के बल चलता था, घुटनों के बल चलता था, पैरों पर चलाया माता ने, घुटनों के बल चलता था, पैरों पर चलाया माता ने, बहन भाई रिश्ते नाते, बहन भाई रिश्ते नाते,
बहन भाई रिश्ते नाते हर वक्त सिखाया माता ने, बहन भाई रिश्ते नाते हर वक्त सिखाया माता ने, हर वक्त सिखाया माता ने, जन्म दिया तुमने मनोज को जो इस जग को देख सके, माँ तेरा एहसान जीवन भर ना उतर सके। ओके, इसके पश्चात क्या करता है शिशु, शिक्षा दीक्षा जब उसकी, शिक्षा दीक्षा जब उसकी काका गा से शुरू हुई, शिक्षा दीक्षा जब उसकी काका गा से शुरू हुई, सच मानो माता ही तब बच्चे की पहली गुरु हुई, सच मानो माता ही तब बच्चे की पहली गुरु हुई, सच मानो माता ही तब बच्चे की पहली गुरु हुई। इसके पश्चात कैशोर्यावस्था में कभी कभी, कैशोर्यावस्था में कभी कभी दंड पिता से मिल जाता है, कैशोर्यावस्था में कभी कभी दंड पिता से मिल जाता है, पश्चात दंड के फिर दुलार। कैशोर्यावस्था में कभी कभी दंड पिता से मिल जाता है, पश्चात दंड के फिर दुलार, करने वाली बस माता है, करने वाली बस माता है, करने वाली बस माता है। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं, युवा हुए पथ नए खुले, युवा हुए पथ नए खुले, युवा हुए पथ नए खुले, सपना सारे जहां का है। इंसान के आगे सारे जहां का सपना होता है, लेकिन सपने तो हमेशा पूरे नहीं होते ना। युवा हुए पथ नए खुले, सपना सारे जहां का है, टूटे सपने, टूटे सपने यदा कदा तो, टूटे सपने यदा कदा तो, सर पे आंचल माँ का है, सर पे आंचल माँ का है, सर पे आंचल माँ का है। प्रौढ़ावस्था तक आते आते, प्रौढ़ावस्था तक आते आते अपनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, प्रौढ़ावस्था तक आते आते अपनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। माँ का प्यार माँ की बातें, माँ का प्यार माँ की बातें विस्मृत की भेंट चढ़ जाती हैं, माँ का प्यार माँ की बातें विस्मृत की भेंट चढ़ जाती हैं, विस्मृत की भेंट चढ़ जाती हैं, विस्मृत की भेंट चढ़ जाती हैं। अंतिम पद है, माँ सदृश न कोई मिले कहीं, माँ सदृश न कोई मिले कहीं हम दिल से ये फरियाद करें, माँ सदृश न कोई मिले कहीं हम दिल से ये फरियाद करें, जिनकी माँ जीवित हैं पूजें, जिनकी माँ जीवित हैं पूजें, यद नहीं तो उनको याद करें, यद नहीं तो उनको याद करें, नदी यहीं तो याद उनको याद करें, जिनकी माँ नहीं है वो कम से कम याद कर सकते हैं। महिला दिवस था और चूंकि महिलाओं के बारे में बात हुई, इसके पश्चात अभी होली का उत्सव आने वाला है, तो उचित हुआ कि होली के उत्सव पे कोई एक कविता या एक गीत सुनाया जाए। तो अभी इसी होली से पहले एक गीत, होली का गीत लिखा है, जो कि उसे आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। नेगी जी अनुमति दें तो ये अगला गीत प्रस्तुत किया जाए। ब्रज में होली, अब चूंकि हम लोग राजधानी में रहते हैं तो राजधानी के पास में ब्रज क्षेत्र है, और ये सौभाग्य है हमारा कि हमारा जन्म स्थान भी ब्रज क्षेत्र में ही है। तो कान्हा खेलें ब्रज में होली, तो कान्हा खेलें ब्रज में होली, कान्हा खेलें ब्रज में होली, संग में खेलें राधा जी, कान्हा खेलें ब्रज में होली, संग में खेलें राधा जी, ब्रजवासी खुशी मनावें, ब्रजवासी खुशी मनावें, संग में खेलें राधा जी, कान्हा खेलें ब्रज में होली, संग में खेलें राधा जी, ब्रजवासी खुशी मनावें, संग में खेलें राधा जी, मैया खेलें बाबा खेलें। कल्पना ये है कि यशोदा मैया भी खेल रही हैं, नंद बाबा भी खेल रहे हैं, तो मैया खेलें बाबा खेलें, खेलें सारे ग्वाले, मैया खेलें बाबा खेलें, खेलें सारे ग्वाले, रंग में डूब गए हैं जी या ब्रज के रखवाले, रंग में डूब गए हैं जी या ब्रज के रखवाले, पहचाने कैसे कौन किशन हैं, पहचाने कैसे कौन किशन हैं, कौन है राधा जी, कान्हा खेलें ब्रज में होली, संग में खेलें राधा जी, कान्हा खेलें ब्रज में होली, संग में खेलें राधा जी, ब्रजवासी खुशी मनावें, संग में खेलें राधा जी, ब्रजवासी खुशी मनावें, संग में खेलें राधा जी। भगवान
कृष्ण होली खेल रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रकृति भी उनके होली खेलने पे प्रसन्न हो रही है। तो लता पता सब झूमे, लता पता सब झूमे, ठंडी बयार चले, लता पता सब झूमे, ठंडी बयार चले, ब्रज के मोर भी सारे नाचे गगन तले, लता पता सब झूमे, ठंडी बयार चले, ब्रज के मोर भी सारे नाचे गगन तले, ललिता और विशाखा, ललिता और विशाखा, संग में राधा जी काना खेले ब्रज में होली, संग में खेले राधा जी, ब्रजवासी खुशी मनावे, संग में खेले राधा जी। अंतिम पद है कि वहां का दृश्य क्या है, जब भगवान खेल रहे हैं होली तो क्या दृश्य हो सकता है। कहीं मन सुखा नाचे, मन सुखा और सुदामा जी भगवान कृष्ण के बाल सखा थे। कहीं मन सुखा नाचें सुदामा नृत्य करें, कहीं मन सुखा नाचें सुदामा नृत्य करें, बलदाऊ के संग संग कान्हा भी नृत्य करें, बलदाऊ के संग संग कान्हा भी नृत्य करें। अब कितना उत्तम दृश्य होगा कि बलदाऊ यानी उनके बड़े भाई और कान्हा भगवान कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, तो वो इतना सुंदर दृश्य है। तो दोनों भैया नाचें, दोनों भैया नाचें देखें, सखियों के संग में राधा जी काना खेलें ब्रज में होली, संग में खेलें राधा जी, ब्रजवासी खुशी मनावें, संग में खेलें राधा जी, संग में खेलें राधा जी, ब्रजवासी खुशी मनावें, संग में खेलें राधा जी। इसके पश्चात मेरी कुछ कविताएं आपको एक एक करके प्रस्तुत करूंगा, जो सामाजिक तानेबारे के ऊपर, कुछ प्रेम के ऊपर, कुछ सामाजिक सिस्टम के ऊपर उनको, और एक चूंकि एक महीने पहले ही देश प्रेम की काफ़ी हवा चलती है जबकि गणतंत्र दिवस होता है, तो एक कविता सैनिकों के ऊपर या भारतीय प्रजातंत्र के ऊपर भी सुनाने की कोशिश करूंगा। पहले एक कविता जिसमें कोई किसी से प्रेम निवेदन करता है। कविता का शीर्षक है मनोहार। प्रिय सुन लो तनिक, प्रिय सुन लो तनिक दिल की मनोहार को, प्रिय सुन लो तनिक दिल की मनोहार को, बरसे नयन तरसे नयन उनके दीदार को, प्रिय सुन लो तनिक दिल की मनोहार को, बरसे नयन तरसे नयन उनके दीदार को, प्रिय सुन लो तनिक। एक हृदय था, हृदय एक था बस पास मेरे कभी, हृदय एक था बस पास मेरे कभी, वो भी तुमको दिया सच ही अभी, वो भी तुमको दिया सच ही अभी, यानी हृदय एक था बस पास मेरे कभी, वो भी तुमको दिया सच ही अभी, धड़कने सुनाएंगी बातें, धड़कने सुनाएंगी बातें सभी दिलदार को, प्रिय सुन लो तनिक दिल की मनोहार को, बरसे नयन तरसे नयन उनके दीदार को। उसके पश्चात लेकर के हृदय, लेकर के हृदय मेरा तुम संभाले रहो, लेकर के हृदय मेरा तुम संभाले रहो, परचम हमारे प्यार का बस थामे रहो, परचम हमारे प्यार का बस थामे रहो, दे दो भरोसा, दे दो भरोसा दिल को प्यार को, दे दो भरोसा दिल को प्यार को, प्रिय सुन लो तनिक दिल की मनोहार को, प्रिय सुन लो तनिक दिल की मनोहार को। अगला पद है हम मिले थे जहां पर, हम मिले थे जहां पर कभी आपसे, हम मिले थे जहां पर कभी आपसे, फूल खिले प्यार के बिल्कुल ही खास से, फूल खिले प्यार के बिल्कुल ही खास से, वहीं आज खोजें, वहीं आज खोजें, वही चाहते हैं उसी प्यार को, वहीं आज खोजें वही चाहते हैं, वहीं आज खोजें वही चाहते हैं और उसी प्यार को, प्रिय सुन लो तनिक दिल की मनोहार को, प्रिय सुन लो तनिक दिल की मनोहार को, बरसे नयन तरसे नयन उनके दीदार को, उनके दीदार को। अगला पद है दुविरहा के मारे, दुविरहा के मारे थके अलसाए तन, दुविरहा के मारे थके अलसाए तन, दो दुखते हुए मुरझे कुम्हलाए मन, वो बिरहा के मारे थके अलसाए तन, वो बिरहा के मारे थके अलसाए तन, दो दुखते हुए मुरझे कुम्हलाए मन, हर दिन पुकारें दिल से पुकारें,
हर दिन पुकारें, दिल से पुकारें, दिले बेकरार को, प्रिय सुन लो तनिक, दिल की मनोहार को, दिल की मनोहार को। अंतिम पद है, आओ फिर से चलें, आओ फिर से चलें और संग संग बढ़ें, आओ फिर से चलें और संग संग बढ़ें, अब मिलन पथ पे भी हम आगे बढ़ें, अब मिलन पथ पे भी हम आगे बढ़ें, फूल चुनके पिरोएं, फूल चुनके पिरोएं, फूल चुनके पिरोएं प्यार से गूंथें हार को, फूल चुनके पिरोएं प्यार से गूंथें हार को, प्रिय सुन लो तनिक दिल की मनोहार को, दिल की मनोहार को, प्रिय सुन लो तनिक दिल की मनोहार को, बरसे नयन तरसे नयन उनके दीदार को, प्रिय सुन लो तनिक दिल की मनोहार को, दिल की मनोहार को। विषय बदलते हुए एक कविता होली के पश्चात पतझड़ शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी बसंत का ही मौसम है तो उचित है कि कविता बसंत की प्रस्तुत की जाए। आओ देखो मित्रों, आओ देखो मित्रों, मौसम वसंत आया, आओ देखो मित्रों, मौसम वसंत आया, शीतकाल बीता बस दिग्धगंध छाया, बस दिग्धगंध छाया, बसंत आता है शीतकाल के बाद में। तो आओ मित्रों देखो, मौसम वसंत आया, शीतकाल बीता बस ये दिग्धगंध छाया, ये दिग्धगंध छाया, कोयल की कुहू कुहू चहुं ओर गूंजती है, कोयल की कुहू कुहू चहुं ओर गूंजती है, खुशियों की माला में कुछ पुष्प गूंजती है, कोयल की कुहू कुहू कुछ और गूंज चहुं ओर गूंजती है, खुशियों की माला में कुछ पुष्प गूंजती है, आया सुहाना मौसम, आया सुहाना मौसम, खुशियां अनंत लाया, आओ देखो मित्रों मौसम बसंत आया, आओ देखो मौसम मित्रों बसंत आया। अब प्रकृति में क्या परिवर्तन होते हैं इसका कोई चित्रण करने का प्रयास किया है। वृक्षों पर नए पत्ते, वृक्षों पर नए पत्ते आज निकल आए, वृक्षों पर नए पत्ते आज निकल आए, बगिया में प्रभु ने फूल नहीं खिलाए, बगिया में प्रभु ने फूल नहीं खिलाए, कलकल है बहती नदियाँ, कलकल हैं बहती नदियाँ, नई अनुबंध लाया, आओ देखो मित्रों मौसम बसंत आया, आओ देखो मित्रों मौसम बसंत आया, आया सुहाना मौसम खुशियाँ आनंद लाया, सुंदरता बसंत की, सुंदरता बसंत की चहुं ओर खुशी है, सुंदरता बसंत की चहुं ओर खुशी है, चिड़ियों की चहचहाट चहाट देती एक खुशी है, सुंदरता बसंत की चहुं ओर एक खुशी है, खुशियों की चहचहाट देती एक खुशी है, स्वच्छ आसमान देखो, स्वच्छ आसमान देखो, दिग्धगंध छाया, आओ देखो मित्रों मौसम बसंत आया, आओ देखो मित्रों मौसम बसंत आया। और मौसम में क्या परिवर्तन आता है, बयार ठंडी ठंडी, बयार ठंडी ठंडी तरोताजा करती, बयार ठंडी ठंडी तरोताजा करती, उत्साह मन में ये प्रतिपल ही भरती, उत्साह मन में ये प्रतिपल ही भरती, फसलें लगी पकने, फसलें लगी पकने, उपज वर्ष पर्यंत लाया, फसलें लगी पकने उपज वर्ष पर्यंत लाया, आओ देखो मित्रों मौसम बसंत आया, मौसम बसंत आया। अंतिम पद है, ऋतुराज बसंत ये, ऋतुराज बसंत ये यूं ही नहीं कहता, ऋतुराज बसंत ये यूं ही नहीं कहता, खुशियों का ऐसे सीधा सीधा नाता, सखियों का प्रिय सखा, सखियों का प्रिय सखा, ऋतुराज बसंत आया, आओ देखो मित्रों मौसम बसंत आया, शीतकाल बीता बस दिग्धगंध छाया, शीतकाल बीता बस दिग्धगंध छाया। इसके बाद पश्चात मित्रों हम महोदय कवि राम भगत नेगी जी, जो कि इस पेज के संस्थापक हैं, संचालक हैं, कृपया हाँ, अभी अब दो कविताएं और पढ़ना चाहूँगा मैं, आधे घंटे का लाइव है तो दो रचनाएं और प्रस्तुत करूँगा मैं अभी। आगाज हुआ है दिल की आवाज़ की झंकार का, आगाज हुआ है दिल की आवाज़ की झंकार का, मन के तारों के कंपन एक छूटे हुए संसार का, एक छूटे हुए संसार का,
कहीं मन की घुटन कहीं तन की तपन, कहीं मन की घुटन कहीं तन की तपन, कहीं तन का व्यसन कहीं मन का स्वपन। यानी कहीं मन की घुटन कहीं तन की तपन, मन और शरीर दोनों ही एक आत्म नहीं है, कहीं तन का व्यसन कहीं मन का स्वपन। देखा नया रूप, देखा नया रूप, नया सवेरा एक नए सरोकार का आगाज हुआ है, दिल की आवाज की झंकार का, मन के तारों के कंपन एक छूटे हुए संसार का, एक छूटे हुए संसार का। कोई रोता है, कोई रोता है, कोई कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई कोई हंसता है, मोह माया के जाल में प्रतिदिन ही फंसता है, मोह माया के जाल में प्रतिदिन ही फंसता है, दर्श नहीं करता, दर्श नहीं करता मन में छिपे ओंकार का, मन के तारों के कंपन एक छूटे हुए संसार का, मन के तारों का कंपन एक छूटे हुए संसार का। रूप बदलता है, रूप बदलता है जग, रूप बदलता है जग या इंसान ही बदलता, रूप बदलता है जग या इंसान ही बदलता, ठोकरे खाकर भी ये नहीं संभलता, ठोकरे खाकर भी ये नहीं संभलता, विकलांग बनकर, विकलांग बनकर बढ़ाता है मान, विकलांग बनकर बढ़ाता है मान साखियों के कारोबार का, वैसाखियों के कारोबार का, वैसाखियों के कारोबार का। डगमगाता है कभी, डगमगाता है कभी कभी मेरा भी विश्वास सा, डगमगाता है कभी मेरा भी विश्वास सा, क्या कभी वापस मिलेगा, क्या कभी वापस मिलेगा मनमीत बिल्कुल आपसा, डगमगाता है कभी कभी मेरा भी विश्वास सा, क्या कभी वापस मिलेगा मनमीत बिल्कुल आपसा, राह में है लाख कांटे, राह में लाख कांटे, राह में है लाख कांटे, फिर भी मिलकर रहेगा दर्श मेरे ओंकार का, आगाज हुआ है दिल की धड़कन की, दिल की आवाज की झंकार का, मन के तारों के कंपन एक छूटे हुए संसार का, एक छूटे हुए संसार का। चूंकि मैंने प्रस्ताव किया था कि एक कविता एक बलिदानी के लिए या फिर गणतंत्र दिवस के लिए, तो मैं एक बलिदानी के ऊपर एक कविता सुनाता हूँ, उसके पास आज समय रहेगा तो कोई और कविता भी आपके सामने रखूँगा मैं आपके। मुझे लगता है जो मित्र आ रहे हैं तो वो मित्र कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, शायद कोई पेज की सेटिंग में दिक्कत है कि लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर नेगी साहब, आदरणीय नेगी साहब कमेंट कोई भी कर सके, ऐसी अगर व्यवस्था कर सकें तो शायद अच्छा है। जी अभी कौन कौन साथी आ गए हैं मैं देखने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि ये कमेंट्स गायब हो जाते हैं निकल के इसमें से, तो लाइव खत्म होने के बाद मैं आपको प्रत्युत्तर दूंगा, आपको धन्यवाद दूंगा मैं। शीर्षक है वीर बलिदानी, वीर बलिदानी। रखवाले मेरे वतन के, रखवाले मेरे वतन के है कैसी तेरी कहानी, रखवाले मेरे वतन के है कैसी तेरी कहानी, प्रेम देश से जीवन भर करते उत्कट बलिदानी, करते उत्कट बलिदानी, रखवाले मेरे वतन के है कैसी तेरी कहानी, प्रेम देश से करते ये उत्कट बलिदानी, ये उत्कट। हरिओम। है सजग हमेशा प्रहरी है, सजग हमेशा प्रहरी है देश की सीमा रेखा पर, है सजग हमेशा प्रहरी है देश की सीमा रेखा पर, सीमा रेखा भारी पड़ती है इनकी जीवन रेखा पर, है सजग हमेशा प्रहरी है देश की सीमा रेखा पर, सीमा रेखा भारी पड़ती है इनकी जीवन रेखा पर, सर्वस्व लुटा देते हैं ये प्यारे हिंदुस्तानी, रखवाले मेरे वतन के हैं है कैसी तेरी कहानी, रखवाले मेरे वतन के है कैसी तेरी कहानी, उत्कट देश प्रेम से करते ये उत्कट बलिदानी, प्रेम देश से जीवन भर करते उत्कट बलिदानी। अगला पद है घर पर माता पिता, घर पर माता पिता और बहन भाई सब छोड़ दिए, घर पर माता पिता और बहन भाई सब छोड़ दिए, बहन के चोला देश प्रेम का जीवनोधरी मोड़ दिया, घर पर माता पिता और बहन भाई सब छोड़ दिए,
बहन के चोला देश प्रेम का जीवन उधर ही मोड़ दिए, लिख देते इतिहास जीवन की अमिट कहानी, लिख देते इतिहास जीवन की अमिट कहानी, रखवाले मेरे वतन के है कैसी तेरी कहानी, है कैसी तेरी कहानी, है कैसी तेरी कहानी। अगला पद है परिवारी जन सब राह, परिवारी जन सब राह देखते रहते अपने बेटे की, परिवारी जन सब राह देखते रहते अपने बेटे की, पत्नी की अनवरत प्रतीक्षा, पत्नी की अनवरत प्रतीक्षा या किलकारी छोटे बेटे की, पत्नी की अनवरत प्रतीक्षा या किलकारी छोटे बेटे की, विचलित होते नहीं कभी, विचलित होते नहीं कभी अपने वीर सेनानी, रखवाले मेरे वतन के है कैसी तेरी कहानी, है कैसी तेरी कहानी। अंतिम पद इसमें है आओ सब मिलकर के, आओ सब मिलकर के इनका यश गुणगान करें, आओ सब मिलकर के इनका यश गुणगान करें, इन वीरों के परिवारों का भी वीरोचित सम्मान करें, आओ सब मिलकर के इनका यश गुणगान करें, इन वीरों के परिवारों का भी वीरोचित सम्मान करें। प्राणों का उत्सर्ग, प्राणों का उत्सर्ग उत्सर्ग किया करते थे ये बलिदानी, रखवाले मेरे वतन के हैं कैसी तेरी कहानी, देश प्रेम से जीवन भर करते उत्कट बलिदानी, देश प्रेम देश से करते जीवन भर ये उत्कट बलिदानी, ये उत्कट बलिदानी, ये उत्कट बलिदानी। अभी लाइव समाप्त करने से पहले कुछ जी, एक कविता पिछले वर्ष की कविता है, उसे आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हिंदी के बारे में है, मातृभाषा हो प्रतिष्ठित, जो हिंदी मातृभाषा के बारे में है, किसी की हिंदी है, किसी की ब्रजभाषा है, किसी की मराठी है, कोई भाषा हो सकती है, लेकिन यहाँ चूंकि हिंदी की बात हो रही है, मातृभाषा हो प्रतिष्ठित अव्यक्त का माध्यम बने, मातृभाषा हो प्रतिष्ठित अव्यक्त का माध्यम बने, राजभाषा बन गई अब जन जन की भाषा बने, राजभाषा बन गई जन जन की भाषा बने, मूल भाषा संस्कृत, मूल भाषा संस्कृत ब्रज अवधि में बढ़ी, मूल भाषा संस्कृत ब्रज अवधि में बढ़ी, भोजपुरी बुंदेली मिथिला मगही छत्तीसगढ़ी, हिंदी कहाँ कहाँ किस प्रकार बोली जाती है। मूल भाषा संस्कृत ब्रज अवधि में बढ़ी, भोजपुरी बुंदेली मिथिला मगही छत्तीसगढ़ी, बघेलिया हरियाणवी, बघेलिया हरियाणवी कई राज्यों में रही, बघेलिया हरियाणवी कई राज्यों में रही, कन्नौजी हुई प्रचलित खड़ी बोली अधिक रही, कन्नौजी हुई प्रचलित तो खड़ी बोली अधिक रही, मेवाती जयपुरी मालवी मारवाड़ी, अलग अलग स्थानों पे हिंदी बोलने का लहजा अलग है, लेकिन वही लिपि देवनागरी और मूल भाषा हिंदी, गढ़वाली कुमायनू और नेपाली हिंदी पहाड़ी, नेपाल में जो हिंदी बोली जाती है काफी हिस्से में वो पहाड़ी हिंदी बोलते हैं उसको, हिमाचली हिंदी और बम्बैया भी, हिमाचली हिंदी और बम्बैया भी, दक्षिणी हिंदी तो कलकतिया का भी, दक्षिणी हिंदी तो कलकतिया का भी, सारे भारत में अब बहुरूप में पाते, सारे भारत में अब बहुरूप में पाते, फिजी मॉरिशस या सुरीनाम भी सुहाते, सारे भारत में अब बहुरूप में पाते, फिजी मॉरिशस सुरीनाम भी सुहाते, दुनिया भर में भारतवंशी रहते हैं, दुनिया भर में भारतवंशी रहते हैं, अपने मन की बातें हिंदी में करते हैं, अपने मन की बातें हिंदी में करते हैं। और अंतिम पद है आओ सब मिलकर, आओ सब मिलकर हिंदी का सम्मान करें, आओ सब मिलकर हिंदी का सम्मान करें, अपनी भाषा का हम निश्चित ही गुणगान करें, निश्चित ही गुणगान करें। और इसी के साथ में मैं आज का ये काव्य गोष्ठी काव्य संध्या का समापन करना चाहता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी देखने वालों को, और पेज के संस्थापक महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।